8 का जो आगे के क्वेश्चंस थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ये लिंक सबको सेंड कर देते हैं। ऑनलाइन सबको लिंक भेज दी जाएंगी। हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें 78 चल रहा था। क्वेश्चन के लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड। मसावी दर्जे हरारत की जगहों को जोड़ने वाली लाइनों को क्या कहा जाता है? समान तापमान चा ठिकाना ला जोड़ना रिया लाइंस ला कायम अंतर। तो इसको आइसोथर्म्स कहते हैं। ये एक डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है आइसोथर्म, जिसमें मसावी दर्जे हरारत की जगह को जोड़ने वाली जो लाइन होती है मसावी दर्जे हरारत, उसको आइसोथर्म्स कहेंगे। आइसोमर्स, आइसो हाइट्स, इस तरह से जो है इसमें ऑप्शन है अलग अलग, आइसोबार्स, तो आइसोथर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 79 है, त्रिकोण चा बाजू 4:5:7। त्रिकोण के बाजू में 4:5:7 गुणोत्तरा मध्य आहे, जर त्याची परिमिती 48 इंच असेल। अगर जो है तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो ऑफ 4:5:7, तो इफ इट्स पैरामीटर इज 48 इंच, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू बिगर साइड्स। एक मुसल्लस की जो तुरफैन जो रहता है चार, हाँ चार पांच इसके तनासुब में है, अगर इसका अहाता 48 इंच है तो इसकी दो ज्यादा बड़ी तरफों के दरमियान का क्या फर्क है? 12 इंच, 6 इंच, 4 इंच, 2 इंच। तो इसका राइट आंसर है 6 इंच। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना है, उसका पेरीमीटर लेना है 48 इंच और उसका जो रेशियो है 4:5:7। इस तरह के क्वेश्चन को हम, जो जो हार्ड क्वेश्चन है इसको लिख के रखिए, इसके ऊपर हम एक बड़ा क्लासिफिकेशन देखेंगे दिन के वक्त में। नेक्स्ट है विविध स्वभाव वैशिष्ट्यांचा संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वेरियस ट्रेड्स फ्रॉम फॉर्म्स अ पर्सनैलिटी दैट इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल एक्सेप्ट वन। मुख्तलिफ अलामात का मजमुआ एक जगह जमा होकर तामुल, मिलाप, और मिलाप के अलावा एक शख्सियत की तामीर करती है जो हर एक में मुनफरिद होता है सिवाय एक। विविध स्वभाव वैशिष्ट्यांचा संयोग वो परस्पर क्रियेने या पैकी एक वगळता प्रत्येक व्यक्तीचे अनोखे व्यक्तिमत्व घडते। क्या वो कार्डिनल है या सेंट्रल है या फिर सेकेंडरी है या टर्शरी? टर्शरी, तीसरा दर्जे का। कैसे मालूम पड़ा? डेफिनेशन टाइप है कि कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शन वेरियस ट्रेट्स जो पर्सनैलिटी पे होता है यूनिक होता है इंडिविजुअल में, सिर्फ टर्शरी छोड़ के, यानी कार्डिनल भी होता है, सेंट्रल भी होता है, सेकेंडरी भी। मुख्तलिफ अलामात का मजमू और तामुल एक शख्सियत की तामीर करती है, पर ये मतलब साइकोलॉजी का क्वेश्चन CDP का, जो हर एक में मुनफरिद होता है। तो मुनफरिद अजीम, मरकजी, सानवी तीनों में रहे, लेकिन तीसरे दर्जे का नहीं है। उसके बाद है विच अमंग दीज इज अ डायमेंशनल टीचिंग एड, इनमें से कौन तालीम देने के इबादी मदद है, या पैकी कौन से नीतीय अध्यापन साहित्य है? गाड़ी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, या फिर डिस्प्ले बोर्ड, या पिक्चर, या मॉडल? मॉडल है, राइट, मॉडल राइट आंसर। ये भी CDP का क्वेश्चन था। उसके बाद आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज करेक्ट।
पैजी वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, हु डिड दिस वर्क, किसमें से वर्क किसने किया? से ओपन कीजिए चेयर वहीं से ला लीजिए, वन ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज विच वन इज करेक्ट पैजी वर्क, मतलब ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि इसमें से एक ऑप्शन लेना है जो करेक्ट पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इस तरह से होता है, पैसिव वॉइस इसमें से कौन सा है, वुड हैव डन दिस वर्क ये है, या फिर दिस वर्क हैज बीन डन बाय हु, तो हु ऐसा पूछते हैं कि होम पूछते हैं, दिस वर्क हैव बीन डन बाय होम, होम ज्यादातर राइट आता है, बाय होम Was this work done? ये भी सही हो सकता है। By whom? किसके जरिए? तो इसमें से passive वाला कौन सा है? तो by whom? ये वाला। By whom? किसके जरिए ये चीज हुआ है? By whom was this work done? उसके बाद है अब इसको करना है calculate 98 multiplied by 98 minus 76 multiplied by 76 is equals to how much? काजी अमरीन अभी ऑनलाइन है नहीं, नहीं तो उनका मैथ्स अच्छा है, और एक सैयदा बुशरा तैयब हुसैनी है उनका भी मैथ्स अच्छा है जी, मैथ्स के अभी वो ज्वाइन नहीं हो पाए अभी जी जी, ओके उसको कर लेते हैं जी जी बिल्कुल, आपका नंबर से आपने व्हाट्सएप कर दिए थे अच्छा अच्छा चलेंगे उसको कर देंगे जी जी ओके ओके हाँ बिल्कुल, अभी तो फिर भी 13 तक थोड़ा फॉर्म फिलिंग में बिजी थे, अब इंशाल्लाह कल से और बहुत सारे कंटेंट आए, तो ये कैलकुलेट करना है सबको ऑनलाइन जो ज्वाइन हुए अभी 98 इसको मल्टीप्लाई करना है 98 से माइनस 76 मल्टीप्लाई बाय 76 इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये महजबीन मैम का भी मैथमेटिक्स अच्छा है भाई जी हाँ, उसके बावजूद तो ये आंसर राइट है। उसके बाद है 110 सेमी से फाइंड द रेशियो ऑफ 110 सेंटीमीटर टू 1.10 मीटर, सेंटीमीटर के मुकाबले 1.10 मीटर का तनासुब मालूम करना है, तनासुब 110 सेमी से 1.10 मी शी गुन्नेतर शोधा, गुन्नेतर शोधा, तो इसमें से यहाँ पर 1:10 1:11 ऑप्शन आपके पास, और 1:1 10:1 सर 1:1 1:1 ये पूछ रहा मैं हाँ, हाँ, आपकी अभी तारीफ चढ़ रही थी कि आपके वीडियोस देखे उन्होंने, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है बोल रहे जी। उसके बाद है अमर वॉक्ड 20 बताना है क्या कैसा करना है तो हाँ बता दीजिए जी, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं जब तक आप बोल भी सकते हैं। रेशियो 110 सेंटीमीटर टू 1.10 मीटर, हाँ वो अभी उसको कैलकुलेट करके फिर बताने वाले तब तक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, अमर वॉक 25 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अमर चला
25 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, जिसको आपको ऐसा बनाना होता है मतलब रफ पेज पर कि ऐसा सिंपल लाइन, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्ड 15 किलोमीटर। ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया जो कि नीचे की तरफ आ रहा है तरफ, एंड वॉक्ड 30 किलोमीटर। अब उसके बाद उसने लिया राइट टर्न, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट उसने लिया राइट टर्न। तब वो जब आ रहा था तो राइट टर्न मतलब इधर होगा अपोजिट साइड में, तो एंड स्टॉप। नाउ ही वॉज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पर ये क्वेश्चन, वो वेस्ट की तरफ चला था, वेस्ट किधर है, वेस्ट मतलब क्या होता है पश्चिम, मगरिब, तो मगरिब की तरफ चला, मगरिब की सिमत में ऐसा फेस करना है, मगरिब के तरफ चला और उसने लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट टर्न में क्या होगा, इधर जुनूब है, अगर इधर मगरिब है, मगरिब के लेफ्ट साइड में क्या है बोलिए, वेस्ट के लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है ईस्ट, तो लेफ्ट में क्या होगा, पहले उसका मैप बनाइए आप, ईस्ट वेस्ट साउथ, नहीं पहले मैप बताइए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये बात अब ये इसके साथ ऐसा बना है, फर्स्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट अगर देखा जाए तो नॉर्थ, नॉर्थ के बाद में ईस्ट आ रहा है लेफ्ट, और उसके बाद लेफ्ट और फिर राइट, पहले आप आंसर बोलिए, साउथ, आपने पहले मैप कैसे बनाया, साउथ ईस्ट नॉर्थ, हाँ हाँ नॉर्थ अगर है इधर है, तो वो नीचे साउथ की तरफ आ गया, राइट वाला तो नीचे हो गया, साउथ अमर पश्चिम कड़े 25 किलोमीटर चालत गेला, डावी कड़े वाढला आणि 15 किलोमीटर चालत गेला, तो पुन्हा डावी कड़े वाढला आणि 35 किलोमीटर चालला, 35 किलोमीटर जिसको कहेंगे, नंतर तो उजवी कड़े वड़ला आणि थामला, आता त्याचे तोंड कोणत्या दिशेला आहे, यहाँ पर इसका आंसर है साउथ, तो साउथ आपका राइट है। अब ये मैम ने कैसे बनाए हैं तो इसको हम आपको शेयर करके दिखाते हैं अभी, सर ये ऐसा करना था, ये चार सिमत बनाकर, हाँ चार सिमत बनाकर, पहले मशरिक मगरिब, फिर उसके बाद से उसका ये सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो मैप है पहले मैप कैसा होता है यहाँ पर ये बताइए, मैप में ऊपर क्या आता है, नॉर्थ एन होता है यहाँ पर मैप, इधर क्या है नॉर्थ के अपोजिट कभी भी साउथ रहता है, इधर क्या रहेगा, इधर ईस्ट है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो मैम ने ऐसा किया है, बताइए आपका सर ये वेस्ट से ही मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, अगर वो किलोमीटर हाँ, फिर लेफ्ट वेस्ट की तरफ चला तो यानी उन्होंने शुरुआत की सेंटर से, यहाँ से हाँ, ये ऐसे चला, जो डायरेक्शन क्या थी इधर वेस्ट थी क्योंकि ये तो नॉर्थ है ना, नॉर्थ से लेफ्ट की तरफ चला तो लेफ्ट मतलब वेस्ट है, वेस्ट की तरफ चला, अब वेस्ट से उसने क्या किया है लेफ्ट टर्न लिया है, तो इधर का लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, तो जो कि क्या हो रहा है साउथ, ये हो रहा है साउथ। अब उसके बाद उसने और अगेन लेफ्ट टर्न लिया तो वो कहाँ पर आ गया, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ लेने पर इंस्टेड ऑफ लेफ्ट उसने राइट टर्न ले लिया जो कि वापस से वो साउथ की तरफ,
तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें घुमाकर यानी एक लेफ्ट है, मतलब पहले तो वेस्ट की तरफ सीधा चला था ना, एक लेफ्ट है, दूसरा लेफ्ट है, वन लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट के बाद अगर वो राइट टर्न लेगा तो राइट और लेफ्ट मिलाकर आपको जो डायरेक्शन थी वो भी आप काउंट कर सकते हैं सिंपल, उसको एक स्टेप माइनस कर देना, मतलब ये ड्रॉ करने से पहले लेफ्ट एंड राइट इज इक्वल टू जीरो, तो उसको जीरो काउंट कर लेना सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले जी वहां से चेयर ले लीजिए, मतलब क्या करना है आपको अगेन कंफ्यूज ना होने की वजह से, लेफ्ट लेने पर वो राइट जब लेगा तो उसी जगह पर रहेगा जिस तरफ वो पहले मुड़ा हुआ था, तो आप ये कंफ्यूज ना हो इसलिए एक स्टेप को उसको फॉलो कर सकते हैं वन वाली, जिसमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप और एक रख सकते हैं। तो ये हो गया साउथ इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ष एक साल कितने के बराबर है, 365 है, 364, तो 365 ये कॉमन है। उसके बाद है, शिक्षक एक कुपोषित मूल कसे ओढ़कू शकतो, हाउ कैन अ टीचर डिटेक्ट अ मेल न्यूट्रिशन चाइल्ड, एक उस्ताद कैसे गजायत की कमी वाले बच्चे का अंदाजा लगा सकते। जी बोलिए। यहाँ पर सवाल में तो कुछ है नहीं ना, एक साल है तो डीप ईयर। हाँ अच्छा, मतलब ये मैम तो कहना है कि अगर एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं ऐसा पूछता है तो फिर 366 करना है। जी, अब उसके बाद है, हाउ कैन अ टीचर डिटेक्ट अ वेल न्यूट्रिशन चाइल्ड, गजायत की कमी वाले बच्चे का कुपोषित मूल, एक कुपोषित मूल लो लेवल एनर्जी जिसमें एनर्जी की कमी होगी, ड्राई स्किन, खुश्क पलसी जिल्द उसकी रहेंगी, नन ऑफ द टू, ए एंड बी दोनों, लो एनर्जी और ड्राई स्केली स्किन, खुश्क त्वचा, ए एंड बी राइट। अब इसका है, बुशरा मैम आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्या, अंडर रूट फोर और उसका हाफ वन अपॉन टू का लेना है इस तरह से। इसको सॉल्व कर सकते हैं अभी, ये क्वेश्चन है, अंडर रूट जजर में चार और उसका हाफ, रूट टू आएगा सर उसका आंसर, रूट टू आएगा रूट, हाँ हाँ हाँ। तो बगैर ऑप्शन देके तुमने जवाब दे दिया बुशरा मैम, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आपका पिछला सवाल का जवाब भी बाकी है आपके तरफ बैलेंस, और ये भी इसको एक्सप्लेन कीजिए। आवाज आ रही है तो आपका जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो आप बताइए, ये दो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन सर। जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा तो हमने आपको व्हाट्सएप करे वो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपने व्हाट्सएप किया पहला वाला भी और ये भी, नहीं ये वाला कर रहे अभी, पहला वाला व्हाट्सएप, ओके ये कर दीजिए, हम देखते हैं। ये वाला तो बहुत सिंपल है सर, ओरली भी एक्सप्लेन, इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी नंबर जब रूट में आता तो मतलब रूट फोर, तो ये तो अपने को समझता है कि इसका जजरुल मुरब्बा दो है, इसका स्क्वायर रूट टू है मींस, और अगर रेस टू पावर हाफ आया तो उसका भी मतलब रहता है कि रूट टू, मतलब उसका भी मतलब रेस टू पावर हाफ का मतलब है रूट, मतलब कोई भी अगर अदद की कुव्वत एक बटे दो आती तो उसका मतलब है कि जजर, हाँ तो इसलिए वो जजर में दो आ गया, अब जजर में दो की कीमत नहीं निकल। हाँ। अच्छा लिख कर भेज देते हम, हाँ ये भी भेज दीजिए, मतलब उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जजर में जो नंबर है मतलब हाँ, और मतलब इसको जो अदद बोले उन्होंने, अदद यानी डिजिट,
संख्या मतलब जो रहेगी एक बटे दो ये डिजिट के हिसाब से, तो ये हाफ मतलब ये स्क्वायर मतलब रूट के हिसाब से ही है, मतलब उसमें ऊपर लिख कर नहीं आएगा रूट, लेकिन ऑलरेडी वो रूट में रहेंगे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, अभी जो उन्होंने दूसरा एक्सप्लेन किया है तो वो इमेज को वो इमेज भी ले लेंगे और ये दूसरा आंसर आने तक ये एक आंसर ले लेंगे। Which two biological factors have influence on personality structure? कौन से दो हयातियाती अवामिल शख्सियत की साख्त को असरअंदाज करते हैं? व्यक्तिमत्व रचनेवर कोणत्या दोन जैविक घटकांचा प्रभाव असते? जेनेटिक, हेरिडिटी, ए एंड बी। तो ए एंड बी राइट है। जर तुम्ही शाळेमध्ये नियमितपणे करणे येतं, जेव्हा शाळेचे मुख्याध्यापक तुम्हाला शाळेच्या काही पाहुण्यांना आणण्यास सांगतात, तर तुम्ही तुमचा निर्णय कसा घ्याल? If you are coming to school regularly by car, when the school principal has asked you to attend to some school guest, how would you take your decision? अगर आप किसी कार से बाकायदगी के साथ स्कूल को आते हैं, तो स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए आपसे किसी स्कूल के मेहमान की देखभाल करने के लिए कहने पर आप अपना फैसला कैसे करेंगे? You refuse straight forward as it is not a taxi to entertain others. तुम्ही सरळ नकार घाल कारण इतरांची सेवा करण्यासाठी ती एक टैक्सी नाही। आप कहेंगे कि ये कोई म्युनिसिपैलिटी की जो है तो वो नहीं है। बुचरा मैम कह रहे हैं आई हैव सेंट आंसर, तो इन्होंने आंसर उसका भी सेंड कर दिया है। ठीक है, हम इसको इसके बाद देख लेते हैं। थैंक यू। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आप बराह रास्त इनकार कर देते हैं कि दूसरों के तफरी के लिए कोई टैक्सी नहीं है। तुम्हें सौतला अशा स्थिति पाहतात कि तुम्ही ते नाकारू सुद्धा शकत नाही किंवा तो प्रस्ताव स्वीकारायला सुद्धा तुम्हाला आवडत नाही। यू नाइदर फाइंड युअरसेल्फ इन अ पोजिशन टू रिफ्यूज नॉर डू यू लाइक टू एक्सेप्ट द ऑफर। आप ऐसी सिचुएशन में है, ना तो आप इनकार कर सक रहे हैं, फिर आप पेशेंट कोई को कबूल कर रहे हैं तो पेशकश को। तो ये दूसरा तीसरा है कि तुम्ही त्यांना टैक्सीची व्यवस्था करण्याला सल्ला द्या। यू सजेस्ट हिम टू अरेंज अ टैक्सी, एक टैक्सी कर लीजिए, इंतजाम करने का मशवरा देते हैं। फोर्थ है, यू बी अ गुड स्पोर्ट एंड हेल्प द स्कूल गेस्ट। आप पेशकश कबूल कर लेंगे और स्कूल के मेहमान की मदद करेंगे। तुम्ही खिलाड़ी खिलाड़ वृत्ति दर्शी ले रहे। सोफिया मैम को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या, बताइए, बोलिए मैम। नो सर, सब आंसर बोल रहे थे हम, डी है बल्कि। अच्छा अच्छा, आपका राइट आंसर आ गया है, बहुत अच्छे। You be a good sports and help the school guests. सही जवाब है। उसके बाद next, probability of any event is always, घटने की संभाव्यता ही नेहमी किसी के भी वाक्य की probability। probability को क्या कहते हैं उर्दू में? एहतमाल कहते हैं। एहतमाल। एहतमाल। जी। तो किसी भी वाक्य की probability हमेशा क्या होती है? नॉन नेगेटिव बट लेस देन और इक्वल्स टू वन। अ रियल नंबर लेस देन वन लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन। और उसके बाद है जीरो टू वन, जीरो से एक के दरमियान। तो क्या होगा कि जिसको मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पर कमांड है तो वो इसका जवाब दे सकता है। नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव होगी नहीं, बट लेस देन और इक्वल्स टू वन, गैर मनफी, एक या एक कम के बराबर, या रियल नंबर लेस देन वन लाइज बिटवीन माइनस वन और वन के बीच में रहती है। तो प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ेंगे तब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी कोई बता सकते हैं ऑनलाइन से या फिर ऑफलाइन से क्या इसका जवाब आ सकता है? ए, ए सर। ए, नॉन नेगेटिव बट लेस देन और इक्वल्स टू वन। तो हम आगे बढ़ेंगे। साजी अमरीन अभी है नहीं यहाँ पर, उनसे भी जवाब पूछते थे।
तो ये है lies between 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक आएंगे, 0 to 1. उसके बाद अभी जो है तो ये बुशरा मैम ने जो आंसर सेंड किए हैं तो वो इस तरह से, इसको आप लिख सकते हो जो क्वेश्चन इसका था. ये क्वेश्चन अंडर रूट 4. अंडर रूट 4 का हाफ तो उसका इस तरह से बनेगा, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2. ये हो गया. और इसको क्या किया है, अंडर रूट 2 मतलब इसको 2 लिख दिया है सिंपल करके, और 1.5 जो था तो हाँ जजर माना जाएंगे इस तरह से वो कहना चाह रहे थे. उसके बाद ये होगा मतलब उसका मतलब ही वही रहेगा इस तरह से. उसके बाद सेकेंड वाला जो उन्होंने सेंड किया है इसे देखेंगे. ये जो क्वेश्चन था 100 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो गया, ये 1.1 मीटर. इसकी वजह से 1.1 डिवाइडेड बाय 1.10 जो दूसरी वैल्यू थी रेशियो में तो वो मिलकर हो गई 1:1. लिख लिया आपने. जी ये बाद में और व्हाट्सएप भी कर देंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप पेंडिंग काम ना रखते हुए मैं कर ले. सबका हो गया है लिखना. तो जज़ाकअल्लाह बुशरा मैम का, और बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया उन्होंने. उसके बाद है अब नेक्स्ट. आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स, only once out of the given 4 words only one is spelled correctly, find the word that is correctly spelled. accommodation separate, so isme separate mein separate aisa hai, CH successful, so accommodation is right. uske baad hai jar tumcha shaale madhye shisti chi ek moti samasya hai jyamule shaalyache velapatra bigadun jate tumhala ashi atyant gondhad gadbadi chi sthiti हाताळण्यासाठी काय करायला आवडेल. इफ देर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इन युअर स्कूल विच डिसरप्ट्स द रूटीन ऑफ द स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू डील विथ सच एन अटर शॉस. अगर आपके स्कूल में नज्म ज़ब्त का बहुत बड़ा मसला है जिससे स्कूल के मामूल में रुकावट आती है, इस तरह की बदनज़मी से निपटने के लिए आप क्या करना चाहेंगे. पहला है कि आप इस मसले की वजूहात को खत्म करेंगे. यू विल फ्रेश आउट द रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम, तुम्ही या समस्येची असलेली कारण निपटून काढाल. तुम्ही मुख्य अध्यापकांची परवानगी ने शिस्त सीमित संघटित कराल आणि त्यातील नियमांचे कोटे कोरपणे अमल बजावणी कराल. यू विल ऑर्गनाइज द डिसिप्लिन कमिटी विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड इम्प्लीमेंट इट्स रूल स्ट्रिक्टली. आप प्रिंसिपल की इजाजत से एक जाब्ता कमेटी बनाएंगे और सख्ती के साथ इसके कानून लागू करेंगे. तुम्हें गुंडाचा एक गटाशी संपर्क साधाल आणि त्यांची समर्थनासह गट बनवून दुसऱ्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्याची प्रयत्न कराल. यू विल indulge in one group of gangsters and try to control another trouble making group with its support. aap badmashon ke group ke sath mulavis honge aur unki madad se dushwari paida karne wale group ko control karne ki koshish karenge. tumhe vichar karal ki tumhe yete fakt shikavnyasathi aala ahe, shanta ani kalyanche rakshan karnyasathi nahi. you think that you are here only to teach not for guiding the peace and welfare. आपके ख्याल में यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए अमन फला बहबूद की निगरानी के लिए नहीं है. बाबा आपके काम से काम करेंगे, ये सेल्फिशनेस में आएगा और ये गैंगस्टर्स के ग्रुप में मिल नहीं सकते.
उसके बाद आप प्रिंसिपल की इजाजत से कमेटी बनाएंगे और आप इस मसले की वजह को खत्म कर दो, तो बी ज्यादातर हो सकता है, तो यहाँ पर ये बी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पुडिल मन पूर्ण करा, मन ने मतलब कहावत है जरबुल मिसाल, तो हाँ उसको क्या कहेंगे, अतिथि तिथे माती, अतिथि तिथे गति सती माती नहीं है माती। नेक्स्ट है अतिथि तिथे, अतिथि मतलब अति, अति मतलब ज्यादा, तिथे वहां पर, माती मतलब मिट्टी। तो इसका ये मुहावरे का मतलब क्या है कोई कहेगा, मुहावरे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अति यानी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मुहावरा या फिर ये कहावत का मतलब क्या निकलेगा, जहां ज्यादा मिट्टी। ऑनलाइन से कोई बता सकता है, मतलब कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम एक आंसर, सोफिया मैम आप बताना चाहेंगे, ये पीछे पहले का हैंड रेस है। जी सर, ऐसे हो सकता सर कि मतलब अगर ज्यादा आस करते हैं तो खाली हाथ, जैसा अपन बोलते हैं ज्यादा आस खाली हाथ, तो वो लिहाज से हो सकता है कोई भी चीज की ज्यादा अपन उसकी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हाथों में मिट्टी आती, मतलब लालच बुद्ध वाला है वो लिहाज से, आती तिथे मोती। जी जी, तो ये एक एक्सपेक्टेड है या फिर एक्यूरेट है आंसर, मतलब ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली यही है, नहीं ये जो आपने एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली यही है या फिर आपने ऐसे सोचा है। एग्जैक्टली ज्यादातर तो ऐसे ही रहता सर, ये गैर मुस्लिम लोगों में बोलते ना, ये मन उन लोगों में रहती ना, जी जी डेली रूटीन में वो लोग बोलते ना। हाँ बराबर, हाँ जी ओके। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, थैंक यू सोफिया मैम और मैजविन मैम। उसके बाद है नेक्स्ट, द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम इज दैट ही इज, क्लासरूम में उस्ताद की हैसियत का बेहतरीन बयान ये है कि वो वर्गामध्ये शिक्षकाच्या पदाचे सर्वात उत्तम वाक्य म्हणजे तो कोणता आहे, गटाचा अध्यक्ष द चेअरमन ऑफ द ग्रुप, गटाचे निर्देशक द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, गटाचे एक सदस्य वन मेंबर ऑफ द ग्रुप, गटाचा निर्देशक द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ चेयरमैन ऑफ ग्रुप है, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, ये दो बार रिपीट हुआ है, और वन मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो अब सवाल क्या था एक बार और देखेंगे, बेस्ट स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, पोजीशन ऑफ द टीचर क्लासरूम में क्या होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप। तो ये द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप सही जवाब है। अगर ऐसे रिपीट हुआ तो, अगर ऐसे रिपीट अगर होता है तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो अपन कौन सा ऑप्शन चलते हैं, हाँ चलता है कर सकते, मतलब अगर उसकी जो ये आएगा, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन गलत अगर होते ऐसे टीईटी में उसमें होते तो उसके वो मार्क्स आगे, अगर आपने मतलब दोनों में कोई भी ऑप्शन टिक किया आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद है नेक्स्ट 96, 17-30 वयोगटातील व्यक्ति अशा तरहने, मतलब इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 17-30 इयर्स इज लाइकली टू बी नोन एज, कैसा ओळखल्या जाण्याची शक्यता असेल, साल के ग्रुप मतलब 17-30 इसको किस तरह से पहचाना जाएगा, टॉडलर, टॉडलर ये चलना सीख रहा हो जो नुकते चालू लागलेले मूल। उसके बाद है टीनेजर, तो टीनेजर इसमें हो सकता है ये नौजवान, और उसके बाद तरुण प्रौढ़ यंग एडल्ट, उसके बाद न्यू बॉर्न, तो न्यू बॉर्न और टॉडलर तो नहीं है, उसके बाद यंग एडल्ट भी हो सकता है ना, दोनों भी हो सकता है, क्योंकि
उसके बाद नेक्स्ट खालिल पैकी अशुद्ध वाक्य कौन थे, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन थे, तो हजार झाला, तो हजार झाला, तो हजर झाला, हजर झाला, तो हजर झाला ये कहते हैं, हजर हो गया, मतलब मराठी में हजर, हाजिर होने को हजर कहते हैं, तो हजार झाला ये गलत है। उसके बाद है नेक्स्ट डायरेक्शन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो दिलेल्या पर्याय मध्यून वेगड़े थे बाहर का, तो पहला है कैप, कैप है, बिग है ये सर पे पहनी जाती है, हैट सर पे पहनी जाती है, शू पैर में पहना जाता है, तो शू इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, हाउ मेनी पीसेस आर ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग टू पैरेलल कट्स ऑन अ क्यूब, हिदायत है कि दिए गए इख्तियारात में से सही मुतबादिल का इंतखाब करना है कि क्यूब पर दो मसावी कट लगने से कितने टुकड़े हासिल होते हैं, एक क्यूब पर, क्यूब मतलब क्यूब पर दो मसावी कट लगने से, क्यूब मतलब यहाँ क्या कहा गया, एक का घनावर, दोन समांतर काप केल्यावर किती टुकड़े मिळतात, कितना हो रहा है वो क्यूब पर, क्या वो दो रहेंगे या तीन, पूछ रहा मैम इसका कुछ बता सकते हैं, और रहेंगे लेकिन कट किसको कर रहे हैं, वो चीज है ना, क्यूब को कर रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक भी हो सकता है, तो एक बार सोच लीजिए, और नीचे फोर टू थ्री फोर और उसके बाद है फाइव, हाँ सोफिया मैम, हाँ बोलिए मैम, फोर सर, फोर कैसे आप कर सकते हैं, हाँ। सर हमको इमेजिन करना पड़ेगा क्यूब, आई थिंक हम इमेजिन कर रहे थे हमारे घर में जो क्यूब है, अगर आप उस पे कट लगा रहे टू साइड से प्लस प्लस के जैसा जी। तो फोर आएंगे ना सर, मतलब कैसे बताए एक बार फिर से बताइए, क्यूब मतलब आपने क्या कंसीडर किया, इमेजिन करना है अपने को कोई भी क्यूब की कोई भी थिंग को, हाँ इमेजिन करके कर सकते सर जी। दो कट लगाना है प्लस प्लस जैसे बनाते हैं अपन, ऐसे दो कट लगाना है, हाँ फोर फोर, हाँ बराबर फोर, तो चार टुकड़े हो रहे हैं, तो इसका जवाब सही तीन है। अब तीन कैसे हो रहे हैं ये एक्सप्लेन कीजिए, सर हमको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, हमको भी एक्सप्लेन कीजिए जी जी, इसको हम यहाँ पर पेंट में बनाएंगे पहले, एक क्यूब बनाएंगे सबसे पहले, ये ऐसे एक क्यूब है, राइट एक क्यूब बना बराबर से, राइट है या फिर और कुछ है इसमें, ये इधर है, यहाँ पर आएंगे हो गया ना कम्प्लीट, हाँ ये क्यूब है, अब इसके ऐसे ये क्यूब को क्या किया गया, कैसे कट किया है, ये एक ऐसा, ये एक कट, ये कट को जो है तो अलग कलर दे दो, ये कट हुआ और दूसरा कट कहाँ से लगाया है, ऐसे जी सर, दो कट तो टोटल हो गए तीन, आपने कट ऐसे क्यों लगाए, अगर उल्टे लगाए पैरेलल कट होता और ऐसे नहीं होगा, तो पैरेलली कट करना हो जी, तो इस हिसाब से फिर मतलब तीन टुकड़े वहां पर आ रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर थ्री हो जाएगा, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना है खालील माहिती काळजी पूर्वक घ्याची, हाँ इसको इंग्लिश में भी लगाते हैं, और सबका भी एक मिनट बचा है यहाँ पर, तो ये 100 होने के बाद में एक मरतबा फिर लिंक भेजी जाएंगे, तो उसको फास्ट ज्वाइन कर लेना बात। इंग्लिश में लगाएंगे कि डायरेक्शन स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो है तो 8 दोस्त है जो एक सर्कल में बैठे हैं सेंटर में, एफ जो है तो इमीजिएट राइट है डी के, और बी जो है तो उसके लेफ्ट में है ई के, ए अपोजिट अगर है तो वो ना सी और ना एच के बराबर है, तो ए जो है तो नेबर है एच का, ई और एच सिटिंग है एडजेसेंट टू सी, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, एफ इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जी और ए इज द इमीजिएट राइट ऑफ डी, एच एंड डी आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, तो यहाँ पर से ये ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3, तो जिसका हम कोई एक ट्रिक के जरिए सॉल्व करेंगे, मतलब आगे इसके ट्रिक्स पर एक अभी एक दो दिन में रहेगा इसका लेक्चर, जिसके ऊपर हम ऐसी सॉल्विंग ट्रिक लाएंगे कि उसमें आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाए। और अभी ये 101 वाला जो क्वेश्चन है ये दिया गया, इंडिया इस रिलेटेड टू दिल्ली इन द वे एज पाकिस्तान इज रिलेटेड टू तो इस्लामाबाद, तो कैपिटल के हिसाब से बताया गया है, तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, इंडिया इज रिलेटेड टू दिल्ली, तो दिल्ली क्या इंडिया का कैपिटल, तो पाकिस्तान का इज रिलेटेड टू इस्लामाबाद होगा, इस वजह से तो कैपिटल आपको याद रखना होगा जरूर।